राजू बन गया जेंटलमैन के बाद तमाम फिल्में आपकी फ्लॉप हुई, तो क्या वजह रही? मतलब आप अपने आप को जमा नहीं पाए, या आप उस दुनिया को समझ नहीं पाए, या तो कुछ नहीं होता, फिल्म अच्छी होनी चाहिए तो चलती है। जो फिल्म अच्छी देखिए, जो मेरी फिल्म चली वो फिल्म अच्छी थी, जो फिल्म नहीं चली वो फिल्म अच्छी नहीं थी। तो आपकी कोई गलती नहीं है? गलती जो फिल्म नहीं चली, मतलब फिल्म चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, जो फिल्म नहीं चली उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्यों, हीरो का रोल तो होता है? नहीं, कोई रोल नहीं होता, मैं तो बहुत डिपेंड करता। मैं तो सर एक किस्म से अमिताभ बच्चन की तमाम फिल्में अमिताभ बच्चन के बलबूते पर चली। अमित जी से मुझे कंपेयर करें तो थोड़ी गलती है, वो तो बहुत ही महान एक्टर है। हम तो खैर उतने पहुंच उनके 10% भी हो जाए तो बहुत, बट एट दी एंड वो तो इवन इफ ही सम ऑफ हिज बैड फिल्म्स आल्सो डिड वेल बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट सच अ ग्रेट एक्टर। नहीं तो आप मानते तो है कि एक्टर तो बहुत डिपेंड करता है, एक्टर पर। अगर ग्रेट एक्टर हो जाते तो फिल्में भी सक्सेसफुल हो जाती। तो इतना ग्रेट तो नहीं हूं सर मैं तो, माय फिल्म हैज टू बी बेटर देन मी, नो एक्टर कैन राइज अबव हिज फिल्म। फिल्म से आपका क्या मतलब? फिल्म की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए या म्यूजिक अच्छा होना चाहिए? फिल्म टोटैलिटी में बनती है, और किसी को अगर मालूम पड़ जाए कि अच्छी फिल्म कैसे बनती है तो फिर बुरी फिल्म बनेगा। और इंडिया के अंदर 200 हिंदी फिल्मों में से जो 180 बुरी फिल्में बनती हैं, तो यानी ये दिस इज अ केस इन पॉइंट, किसी को मालूम ही नहीं कि अच्छी फिल्म क्या है, बुरी फिल्म क्या है। नहीं तो अगर मैं आपको कहने का मतलब निकालूं तो ये है कि शाहरुख खान उतना मैटर नहीं करता किसी फिल्म में। जी नहीं, फिल्म में बाकी तमाम चीजें मैटर करती हैं। मैं तो आई एम अ रॉ स्टॉक, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। जैसे आप मुझे कहने लगे कि ये जो आपका कार्यक्रम है रूबरू, ये सिर्फ आपकी वजह से है। जो है, जो आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी मायने रखता है नहीं रखता, जिस जगह पर ले रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस वक्त हालात इंडिया में क्या है, उस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है, मेरी सिचुएशन क्या है, आपके कैमरामैन कौन है, लाइट कैसी है, और आपकी साउंड कैसी रिकॉर्ड हुई, एवरीथिंग इन टोटैलिटी विल मेक अ गुड प्रोग्राम। हर चीज टोटैलिटी में अच्छी होती है। तो फिल्मों का ये है कि आई एम जस्ट पार्ट ऑफ अ फिल्म, और आई पुट माई बेस्ट एफर्ट, एंड समटाइम्स द बेस्ट एफर्ट इज नॉट गुड इनफ। नहीं, कहते हैं कि आप फिल्मों की स्क्रिप्ट देख के कोई फिल्म साइन करते हैं, लेकिन गुड्डू जैसी फिल्म जो आपने की उसमें तो लगता कुछ नहीं आपने देखा। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में की जिनकी बनने के बाद क्या होता है, क्रिएटिविटी है। जब विंची बैठ के ऐसी उन्होंने एक लाइन बनाई होगी तो उनको मालूम नहीं कि मोनालिसा बन रही है, उन्होंने वैसे ही कुछ 150 लाइन बनाई है और बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, लेकिन एक ही मोनालिसा बनी है। तो एक बिगिनिंग से कुछ मालूम नहीं पड़ता। स्क्रिप्ट इज द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म ऑन द पेपर, देन इट कम्स ऑन सेल्यूलॉइड। स्क्रिप्ट पेपर पे एक होती है, सेल्यूलॉइड पे अलग आती है। और क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यू डोंट नो टिल इट एंड्स। दो चीजें हैं क्रिएटिविटी में, पहला कि जब तक वो खत्म नहीं होती मालूम नहीं होता कि वो क्या दिखेगी, एक लाइन से नहीं मालूम होता। दूसरा, क्रिएटिविटी इज द ओनली थिंग विच हैज टू बी जज बाय हाउ मच पीपल लाइक इट, नॉट हाउ मच यू लाइक इट। सो आई कैन लव माय स्क्रिप्ट, आई लव वो डार्लिंग इंडिया, आई लव जमाना दीवाना, आई लव इवन गुड्डू, बट एट द एंड ऑफ इट ऑल पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल। लेकिन कभी कभी ऐसा तो होगा कि कोई फिल्म में एक्टिंग आप पूरे मन लगा के करते होंगे और किसी फिल्म में शायद आपको उतना मन लगता हो, नहीं ऐसे आपको वो किरदार नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। हिंदी फिल्मों में तो कम ही किरदार मिलते हैं, क्योंकि हमारा पैरामीटर सेट होता है कि 5-6 गाने होंगे, हीरो होगा तो लड़ेगा भी, हीरोइन होगी तो रोएगी भी, और माँ भी होगी, बाप भी होगा, प्यार भी होगा, और कॉमेडी भी होगी। तो ये सब चीजें पैरामीटर्स के अंदर गिवन दोज थिंग्स, ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं। लेकिन मैंने तकरीबन 19 फिल्में मेरी रिलीज हुई हैं जिसमें मैं हीरो कहलाया जाऊं, जिसमें मैं दिल आशना को भी गिनता हूं, किंग अंकल को भी गिनता हूं। मोस्ट ऑफ देम आई हैव एंजॉयड डूइंग दैट।